नमस्ते भारत, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे चेक्स वर्ल्ड। तो आज हम सीखेंगे हॉट चॉकलेट बनाना। बहुत ही आसान है और पीने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की तरह आज हम हॉट चॉकलेट बनाना सीखेंगे। तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दो, बेल आइकन दबाना ना भूलें। हॉट चॉकलेट बनाने के लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले लेना है डार्क चॉकलेट। तो यहाँ पे आप मिल्क चॉकलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 5 से 6 क्यूब्स लिए हैं डार्क चॉकलेट के बाद यहाँ पे मैंने लिया है 1 से 2 चम्मच कोको पाउडर। के बाद यहाँ पे मैंने लिया है 1 ग्लास दूध। यहाँ पे मैंने काउ मिल्क का इस्तेमाल किया, आप कोई सा भी मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे चाय बनाने वाला पतीला लेना है। पतीले के अंदर हम 1 कप दूध डालेंगे। अभी हम गैस का फ्लेम ऑन नहीं करेंगे, पहले हम दूध पतीले के अंदर डाल देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1 से 2 चम्मच कोको पाउडर। कोको पाउडर डालने के बाद हम कोको पाउडर और दूध को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर लम्स ना रहे, इस बात का भी आप यहाँ पे ध्यान दें। तो यहाँ पे अभी भी मैंने गैस का फ्लेम ऑन नहीं किया है, कोको पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने। ये देखिए बिल्कुल भी लम्स नहीं है। अब जा करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे और दूध को गर्म होने देंगे। अब जब तक हमारा दूध गर्म हो रहा है, हम एक छोटे से कटोरी के अंदर आधा चम्मच कॉर्नफ्लावर लेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा पानी और पानी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर लम्स ना रहे, इस बात का भी हम यहाँ पे ध्यान देंगे। तो अच्छे से हमें कॉर्नफ्लावर और पानी को मिक्स कर लेना है और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे यहाँ पे हमारा दूध जो है वो बहुत अच्छे से गर्म हो चुका। अब हम इसको दोबारा से स्टर करेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे डार्क चॉकलेट। तो यहाँ पे मैंने 3 क्यूब्स डार्क चॉकलेट के डाले हैं। और डार्क चॉकलेट डालने के बाद आप इसको दोबारा से मिक्स करें। अगर आपके पास मिल्क चॉकलेट है तो आप यहाँ पे मिल्क चॉकलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से हमें इसको स्टर करना है जब तक हमारा चॉकलेट जो है वो मेल्ट नहीं हो जाता। और यहाँ पे हमारा डार्क चॉकलेट जो है वो अच्छे से मेल्ट हो चुका है। ये देखिए बिल्कुल भी डार्क चॉकलेट नहीं है। अब हम इसके अंदर डालेंगे चीनी। आप अपने अकॉर्डिंग चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच चीनी डाला है और दोबारा से हम इसको मिक्स करेंगे जब तक हमारा चीनी भी अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाता। और उसके बाद दोबारा से हम यहाँ पे दूध को गर्म होने देंगे तब तक जब तक हमारे दूध में से बॉयल नहीं आ जाता। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे दूध में से बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब हम दोबारा से इसको स्टर करेंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर का पानी। कॉर्नफ्लावर का पानी डालने से पहले आप दोबारा से कॉर्नफ्लावर को यहाँ पे मिक्स कर ले। कॉर्नफ्लावर का पानी डालने के बाद दोबारा से हम यहाँ पे चॉकलेट मिल्क को मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम हॉट चॉकलेट को 2 मिनट अच्छे से पकाएंगे। 2 मिनट बाद आप देखेंगे हॉट चॉकलेट में से उबाल आना शुरू हो चुका है। अब हम दोबारा से इसको स्टर करेंगे और यहाँ पे आकर के हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अगर आपको हॉट चॉकलेट गाढ़ा पसंद है तो आप इसको थोड़ी देर और पकने दें, उसके बाद जाकर के आप गैस का फ्लेम बंद करें। तो यहाँ पे हमारा हॉट चॉकलेट बंद करके तैयार हो चुका है। अब हम हॉट चॉकलेट को सर्व करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ग्लास के अंदर हॉट चॉकलेट को निकाल लिया है और आप हॉट चॉकलेट के ऊपर आइसक्रीम या चॉकलेट या कोको पाउडर गार्निश कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा हॉट चॉकलेट बन करके तैयार हो चुका है। बच्चों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, आप इसको ज़रूर बना करके ट्राई। आपको मेरा ये रेसिपी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं हर दिन नए नए वीडियो लेकर के आती हूँ तो चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।